नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हम उपस्थित हैं करगहर विधानसभा में। आज हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है जो करगहर विधानसभा के एक युवा नेता है, आरजेडी नेता है, उदय प्रताप सिंह। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बात करने से पहले कि उदय प्रताप सिंह वो शख्स हैं जो कि उनके पिताजी रामधनी सिंह जो 1990 से लगातार 2005 तक विधायक रहे, उसके बाद 2008 में एमएलसी रहे, 2010 में फिर चुनाव जीतकर फिर से विधायक बने, उसके बाद जब मांझी की सरकार बनी तो वह स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। उन्हीं के पुत्र हैं उदय प्रताप सिंह। आज हम उनसे बात करने के लिए जा रहे हैं खास मुद्दों पर। एमके न्यूज इंडिया में सबसे पहले आपका स्वागत है। पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके बारे में मुझे एक फीडबैक मिला है कि आप नौकरी को छोड़ करके आप जो है राजनीति में आए हैं, इसका क्या खास वजह है? इसका वजह था कि जो हमारा परिवार था शुरू से ही राजनीति में सक्रिय रहा और समाज सेवा की भावना हम लोगों में बचपन से ही जगी और अपने पिताजी से समाज सेवा का गुण हम लोगों को सीखने को प्राप्त हुआ और उन्हीं से हम लोग प्रेरित होकर समाज में समाज सेवा के लिए हम लोग जुड़े। बात करें बिहार विधानसभा चुनाव का तो जो कि तारीख भी अब तय हो चुकी है, जो जैसा कि आप देख रहे हैं, और क्या मकसद के साथ और किस मुद्दों के साथ आरजेडी किस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, आप लोग का क्या तैयारियां है ग्राउंड पर? देखिए, हम लोगों की तैयारियां पहले से ही चली आ रही है और हम लोग शुरू से ही पंचायत स्तर की कमेटी हो, बूथ स्तर की कमेटी हो, ये सब हम लोगों ने बहुत पहले ही पूरा कर लिया और गांव-गांव में घूमकर, पंचायत में घूमकर और हम लोगों ने सब लोगों को जगाने का काम किया और ये बतलाने का काम किया कि देखिए हम लोगों की जो सरकार आएगी बेरोजगार नौजवानों के लिए ये काम करेगी, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेगी। जैसे युवाओं की बात आती है तो आपसे खास बातचीत करने का मेरा मकसद भी यही था कि हमने करगहर विधानसभा में हम अपने संवाददाता जो वहाँ के हैं, रोहतास जिला के हमारे संवाददाता, उनसे हमने उस क्षेत्र का सर्वे करवाया था। काफ़ी युवाओं का नाम आपके प्रति आ रहा है कि लोग जो है आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आप खुद भी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या वजह है जो युवाएँ जो है आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं? देखिए, मैं भी एक युवा हूँ और क्षेत्र में जितने युवा हैं हम सब लोग मिलकर हम लोगों ने प्रण लिया है कि ये सरकार हम लोगों को बदलनी है और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो हम लोगों की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि हमारी जब सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा और युवाओं की सरकार होगी, युवाओं की सरकार होगी और युवाओं को अधिक से अधिक सरकार में भागीदारी भी दी जाएगी और बिहार में अधिक से अधिक कल कारखाना स्थापित किया जाएगा और उसमें युवाओं को रोजगार देने का हमारी सरकार काम करेगी। जैसा कि अभी चुनाव नज़दीक है, चुनाव होना है और बहुत कम समय है, लेकिन राजद से जो है करगहर विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे लोग हैं जो अपने उम्मीदवारी के लिए बायोडाटा जमा कर रहे हैं, दे रहे हैं और शुरू से भी आपका भी उसमें नाम आ रहा था, क्या आप भी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं? देखिए, जो राजनीति करता है उम्मीद रखता है कि मैं भी चुनाव लड़ूं, लेकिन ये पार्टी के आला कमान निर्धारित करते हैं कि कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा और हम चाहेंगे कि लोगों से आप भी राय ले सकते हैं, क्षेत्र में जाकर आप भी समझ सकते हैं कि लोगों का क्या रुझान है, लोग क्या चाहते हैं, किसको उम्मीदवार वहां से बनाना चाहते हैं, ये आप खुद समझ सकते हैं क्षेत्र में जाकर। ये हमारा, हमको कहना ये बेमानी होगा कि मैं वहां से प्रत्याशी हूं। निश्चित रूप से आपको मैं बता देना चाहता हूं कि करगहर, पूरे करगहर विधानसभा में हम लोगों ने शुरू से ही काम किया है और करगहर विधानसभा के हर वर्ग के लोगों को, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, उसको हम लोग जगाने का काम किया है और अपनी पार्टी के प्रति उन लोगों को आकर्षित करने का काम किया है। हम लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम कराया पूरे क्षेत्र में
और उसमें बढ़ चढ़ के क्षेत्र के लोगों ने, क्षेत्र के मतदाताओं ने, खास करके युवा पीढ़ी के लोगों ने हम लोगों का बढ़ चढ़ कर साथ दिया। नहीं, बात करें जैसे राजद का, तो जैसे पिछले बार भी चुनाव हुआ था तो उसके बाद जो है जो गठबंधन में थे सरकार, है ना, जो राजद और जदयू, अभी जो करगहर विधानसभा में है, तो ऐसा कोई चीज़ मुझे बताइए कि आप लोग अगर अभी सामना करने के लिए जा रहे हैं जो रूलिंग पार्टी है उनका, और करगहर विधानसभा में ऐसा क्या वजह है, क्या चीज़, किस मुद्दों पर अगर आपको ही कमान सौंपती है, अगर राजद अगर आपको कमान सौंपती है, आपको जिम्मेदारी देती है, तो किस मुद्दों को लेकर के आप लोग चुनाव लड़ेंगे और राजद के लिए आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, करगहर विधानसभा जो है कृषि बोल कृषि पर आधारित वहाँ पर लोग हैं, और हम चाहेंगे कि सबसे पहला हम लोगों का मुद्दा होगा और हमारा खास करके किसानों के प्रति, कि किसानों को सही समय पर बीज मिले, पानी मिले, इसके बाद जब फसल तैयार हो जाए तो फसल का उचित मूल्य मिले। जैसा कि उस क्षेत्र का कुछ हम लोग ने देखा है, जैसे पानी को लेकर करके आ रहे, जैसे नहर की समस्याएं हैं, बोरिंग की समस्याएं, कुछ ऐसा नज़र आता है हम लोगों को, ऐसे भी कुछ कंप्लेन भी आपके उस एरिया जैसे रोहतास ज़िले वगैरह ये सब जगह पर हैं, तो इसको लेकर करके आप लोग कुछ अपने स्तर से कभी विभागीय कुछ लोगों का, किसान, आप जैसे बताए कि कृषि प्रधान मतलब क्षेत्र है, कृषि बाहुल क्षेत्र है, अक्सर लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं, तो ऐसे लोग हैं उन लोगों के लिए आप लोग क्या कुछ किए हैं पहले से, कुछ नहीं किए हैं क्या? हम लोग शुरू से ही, जैसे आपको मैं बता दूँ कि 1990 का दशक था, और 1990 के दशक में अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँचता था, और वहाँ पर उस क्षेत्र के उस 1990 के दशक में वहाँ हमारे पिताजी MLA हुआ करते थे, और हम लोगों ने, हमारे पिताजी ने सुलिस को तोड़ तोड़ कर, नहर के सुलिस को तोड़ कर सब पानी को निचले छोर तक पहुँचाने का उस समय भी 90 के दशक में भी काम किए थे। उसके पहले के किसानों को हम निचले छोर तक पानी कभी उपलब्ध नहीं होता था, और जो कृषि पर आधारित लोग थे उनका फसल बर्बाद हो जाता था। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपके जो पहले भी आप बताएं कि आपके पिताजी, जो आपका फीडबैक मिला है कि शुरू से ही राजनीति में रहे हैं, तो ये भी एक पसंद हो सकता है कि आपको लोग वहाँ पे चाह रहे हो, या पर्सनली आपकी छवि कुछ क्या है आप अपने बारे में? देखिए, हम लोग हर तरह के लोग, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, हम लोगों के यहाँ आते हैं या हम लोगों से संपर्क करते हैं, तो हम लोग प्रयास करते हैं, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उसका निराकरण उसी समय हम लोग करें। अगर होने लायक होता है तो तत्काल उसका हम लोग निपटारा करते हैं, और उस नहीं होने लायक है तो उस दिशा में हम लोग पहल करते हैं, ताकि लगे लोगों को कि हम लोगों ने उनके लिए काम किया, उनके लिए प्रयास किया। काम तो होना ना होना एक अलग की बात है, हम लोगों ने लेकिन प्रयास किया, लोग संतुष्ट होते हैं। एक चीज जानना चाहेंगे जिसे आप लोग कर रहे हैं, मतलब मैं आपसे कोई ऐसा काम जानना चाहूँगा जो आप लोगों के लिए, आप पर्सनली बेहतर के, जैसे अभी कोरोना का कहर जारी था, तो आप अपने स्तर से कोई ऐसा काम बताइए जो आपने किया है कोरोना में। देखिए, हम लोगों ने कैंप लगाकर रोड पर जो बाहर से लोग आ रहे थे या जो गरीब लोग थे, उन लोगों को हम लोग रोज सत्तू का इंतजाम कराते थे, बिस्किट का इंतजाम कराते थे, गुड़ का इंतजाम कराते थे, खाने पीले पीने के लिए उन लोगों का को प्रबंध कराते थे हम लोग। बाहर उस समय में कोरोना से मैं भी एक और सवाल अगर यहाँ पर बात करें कि जो बाहर से प्रवासी आ रहे थे, जो मजदूर आ रहे थे, लेकिन फिर पुनः वो प्लान कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके? यहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं है, तो आपकी सरकार बनेगी, आप हम लोगों की सरकार बनेगी, तो हम लोगों के नेता जो हैं उन्होंने कहा है कि पूरे बिहार में हम लोग कल कारखाना स्थापित करेंगे, और जो बाहर से आए हुए हैं और जो उनको बाहर जाने से हम लोग रोकने का काम करेंगे, और उन लोगों को नौकरी भी देने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना उदय प्रताप सिंह को, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है
कि आरजेडी इस बार मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है और उनके द्वारा जो मुद्दाए हैं ऐसे मुद्दाओं को लेकर के आ रहे हैं जो अगली सरकार वहां पर विफल रही है उस चीज को करने के लिए अभी जो फिलहाल है। तो इस तरीके से अभी उस क्षेत्र में करगहर विधानसभा के जगह जगह से जो लोगों का पसंद है और जो इनको उदय प्रताप सिंह को लोग चाह रहे हैं, इनका असलियत राज यही है कि ये लोगों से मिलना जुलना ये बरकरार रखते हैं, यही सब कारण है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि जो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो इस बार जो रूलिंग पार्टी है उनको जो है पराजित करने के लिए जोर शोर से आरजेडी वाले जो भी हैं राजद के खेमे के लोग हैं या उनके कार्यकर्ता हैं मिल करके तैयार है। बने रहे एमके न्यूज़ इंडिया के साथ। इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।